बाहों में चलिया आओ, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। पर्दा ही तो उठाना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बोली थी कि आप यू अंधेरे में क्यों बैठी हैं? हाँ जी, ये पर्दा शर्दा हटा दीजिए, रोशनी आने दीजिए ना। हाँ जी भाजी, पैकिंग शैकिंग। हाँ जी ममता जी, कहीं जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हनीमून पर। हनीमून पर? ये तो पूछो किसके साथ जा रही हूँ। किसके साथ? चीज के साथ। हाँ जी, राजीव जी। अरे आई एम जोकिंग, एक्चुअली ना मेरे कुछ प्लान्स है इस वीकेंड पर। वही तो पता करने आई हूँ। वैसे आज तुम ऑफिस से जल्दी क्यों आ गई? जल्दी जल्दी क्योंकि वो काम जल्दी खत्म हो गया ना। हाँ जी ममता जी, तो सोचा घर भी जल्दी आ जाती हूँ। हाँ जी सही है। वैसे बहुत सारे कपड़े लेकर जा रही है आप। हाँ जी ममता जी, कहाँ जा रही हैं आप? जयपुर के बाहर। अच्छा जयपुर के बाहर कहाँ? व्हाट इज दिस, तुम तो पीछे ही पड़ गई। हाँ, क्योंकि आप राजीव जी के पीछे ही पड़ गई है। गल ये है ममता जी, क्या है ना, आप ये जो पैकिंग शैकिंग कर रही हो ना, देख के मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। मुझे लग रहा है मैं भी चलूँ आपके साथ इस ट्रिप पे, मेरे लिए भी एक अच्छा सा चेंज हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, जहाँ मैंने बुकिंग की है ना, वहाँ पर एक ही रूम अवेलेबल था जो मैंने बुक किया है, और वहाँ पर हम सिर्फ दो ही रह सकते हैं, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम जी। वैसे उदयपुर में कौन से होटल में रुक रहे हो आप? उदयपुर नहीं यार, जोधपुर। जोधपुर? नो नो, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है जी जोधपुर। तो कोई गल नहीं, रूम अवेलेबल नहीं है तो की फर्क पड़ेगा। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा बेड मंगवा लेती हूँ, फिर सब लोग साथ मिलकर शेयर करके रुक लेंगे। है जी? नो वे, सिर्फ मैं और जीज ही जाएंगे। फिर से जीज? राजीव जी क्यों? व्हाट इज दिस, वो मेरे जीज है, वो मेरे साथ कहीं भी जाए, तुम्हें इससे क्या? और तुमने बहुत डिस्टर्ब करी, मुझे पैकिंग करने दो यार। ओ जी ममता जी, मैं हेल्प कर देती हूँ ना पैकिंग में। चीज के साथ जोधपुर? हाय, मे आई सिट हियर? बॉयफ्रेंड है मेरा, दूर रहोगी तो ही इस कॉलेज में रहोगी। बॉयफ्रेंड? ये कब हुआ? कल, डबल प्रमोशन मिला है ना इसको, फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड और फिर बॉयफ्रेंड। कुछ कहना है तुमको? हाँ, कांग्रेचुलेशंस। रिश, आई लव यू, डू यू लव मी और नॉट? राजीव, वो डू यू लव मी और नॉट रिश, यस और नो? इट्स अ कॉलेज, सड़ू को पता चला तो बोलो, डू यू लव मी और नॉट? यस और नो? गार्गी, ओके फाइन, डोंट से इट। गार्गी रुको, ऐसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब दिल सैड था तो मेरे दिल की हैप्पीनेस बन के आई तुम, जब हर तरफ अंधेरा था तब मेरी खुशियों की रोशनी बन के आई तुम, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया जब मैं गलत था। उसे से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आई लव यू। क्या हुआ है बच्चा, आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं। लक्ष्य, क्या हुआ है त्रिशु को, ये रो क्यों रही है? आप उसी से पूछ लीजिए। झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिश, तुम्हारा फोन। क्या ये जीस, क्या कूल लगेंगे ना इस जैकेट में। हाँ जी, राजीव जी ये जैकेट कभी नहीं पहनेंगे, वैसे कपड़े पहनते नहीं है। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ जी, क्योंकि मैं ना राजीव जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस वास्ते। सिंपल इंसान है वो, कपड़े भी एकदम सिंपल सा ही पहनते हैं। व्हाट इज दिस, असल बात क्या है बताऊं?
कि तुम खुद बहन जी हो और मेरे हैंडसम जीस को ना तुमने भाई साहब बनाकर रखा हुआ है। शट अप। व्हाट इज दिस? तुमने शट अप कहा मुझे और वो भी इतना चिल्लाकर। अरे क्या हो गया? क्या हो गया दलजीत जी, आप चिल्ला क्यों रही है? जीस क्यों नहीं बल्कि ये पूछे कितने जोर से किस पे चिल्लाई। जीस मुझ पे योर वन एंड ओनली साली पे। तो जी राजीव जी ये भी सुन लीजिए, मैंने इन पर क्यों चिल्लाया। आपकी साली साहिबा जो है ना, किसी भी वक्त कभी भी मतलब किसी से कुछ भी बोल जाती है, सोचती नहीं है। अरे भाई एक बार सोच तो लो ना, देख तो लो कि अगला इंसान किस मूड में है, क्या बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। है जी सॉरी ममता जी, एक्चुअली मैं कुछ और ही सोच रही थी, खामखा आप पर चिल्ला बैठी, सो सॉरी ममता जी। इट्स ओके जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ राजी जी, एक्चुअली मुझे भी आपसे कुछ बात बोलनी है। अच्छा आइए जी, पहले मैं बात करूंगी। नहीं राजी जी, पहले मैं बात करूंगी, ये मेरे जीज हैं। नहीं जी, पहले मैं बात करूंगी क्योंकि ये मेरे। राजीव जी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बोलनी है आपको, आप आइए मेरे साथ। क्या? हाँ जी राजीव जी, गल ये है कि लक्ष्य क्या हुआ है त्रिशु को, ये रो क्यों रही है? आप उसी से पूछ लीजिए। तो ये गल है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, त्रिशु को बताना चाहिए ना कि लक्ष्य ने क्या किया। उसने बताया ना मुझे राजीव जी, इनफैक्ट लक्ष्य ने तो शशांक को भी कॉल किया और सॉरी बोला, त्रिशु से भी माफी मांगी। पर गल ये है राजीव जी कि मुझे त्रिशु की बहुत चिंता हो रही है, बच्ची बहुत हर्ट है राजीव जी। त्रिशु कहाँ है? लक्ष्य ने एक बार भी कॉल नहीं किया, मैं ही कर लेती हूँ। नहीं हमेशा मैं ही उसे कॉल क्यों करूं, मैं ही क्यों मनाऊं? पापा आप? हाँ मैं। बैठो बैठो। नहीं पापा, इस गर्ल इतनी बड़ी हो गई कि अपनी बातें छुपाने लगी मुझसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.